नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए राजू बास RPBT से संबंधित महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, साथ ही ये बताऊंगा कि इसमें टोटल कितनी वैकेंसी हैं, क्या एक्सपेक्टेशन कट ऑफ रहेगी जाने की, कितने स्टूडेंटों ने पेपर दिया। इससे संबंधित तमाम महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए आप इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखें, जिससे कि आपको हर तरह की डाउट मिल सके। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा कि लास्ट ईयर इसमें केवल 12,000 प्लस स्टूडेंट बैठे थे, इस बार इसमें 13,433 स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम दिया है। दोस्तों, इस वजह से भी कट ऑफ बढ़ने की थोड़ी संभावना है। दूसरा कारण इसका COVID-19 भी है। COVID-19 की वजह से आपको जो पेपर जून में होने वाला था वो सितंबर तक खिंच गया, इसलिए आपको 2 से 2.5 महीने एक्स्ट्रा टाइम मिला था। इसमें स्टूडेंटों की पढ़ाई भी बहुत हो पाई। इसके अलावा दोस्तों, पेपर का पैटर्न पिछले साल के मुकाबले थोड़ा अजीब बताया जा रहा है, जिसकी वजह से भी आपकी एक्सपेक्टेशन कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो दोस्तों, एक मैंने एक्सपेक्टेशन कट ऑफ जो तैयार की है, इसमें काफ़ी मेहनत लगी है, कई यूनिवर्सिटियों से, कई प्रोफेसरों से, राजू बास पे बात करके ये कट ऑफ मैंने निकाली है। इसमें आप 10 नंबर प्लस माइनस कर दीजिएगा, उसके अलावा जो मैं कट ऑफ बताऊंगा 95% वही रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं जनरल में दोस्तों, इसमें रेगुलर शीट और पेमेंट शीट दो भागों में डिवाइड किया। रेगुलर शीट वो होती हैं जिनमें आपको ज़्यादा खर्चा नहीं लगता, पेमेंट शीट वो होती है जिसकी 2 से 2.5 लाख रुपये पर ईयर चार्ज देना पड़ता है। तो दोस्तों, जनरल शीट में कट ऑफ जाने की 485 है, वहीं दोस्तों रेगुलर शीट की, वहीं बात करते पेमेंट शीट की 460 नंबर। EWS दोस्तों, जनरल कैटेगरी में EWS रेगुलर की 465 जाने की संभावना, वहीं पेमेंट 455। OBC कैटेगरी में 475 नंबर रेगुलर, वहीं पेमेंट की 450। दोस्तों, MBC कैटेगरी की बात करते हैं, जहाँ 410 नंबर रेगुलर में जाने की संभावना, वहीं 380 पेमेंट शीट में जाने की संभावना है। दोस्तों, बात करते हैं SC कैटेगरी की, यहाँ 360 नंबर रेगुलर सीट की जाने की संभावना है, वहीं 320 नंबर पेमेंट जाने की संभावना है। दोस्तों, बात करते हैं ST कैटेगरी की, यहाँ 330 नंबर रेगुलर जाने की संभावना, वहीं 315 नंबर पेमेंट जाने की संभावना। तो दोस्तों, ये एक्सपेक्टेशन कट ऑफ है। अगर आप इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो इसमें 10 से 5 नंबर आप अप डाउन कर सकते हैं, जिससे आपको आईडी लग जाए कि हाँ, मैं दौड़ में हूँ या नहीं हूँ रेस में। इसके अलावा दोस्तों, मैंने स्क्रीन पर अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। मैं क्या करता हूँ कि व्हाट्सएप पे जो स्टूडेंट मेरे पास मैसेज करते हैं, उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देता हूँ। जो भी नई इन्फॉर्मेशन अपडेट आती रहती है, उसको उस ग्रुप में फॉरवर्ड करते रहते हैं और स्टूडेंट भी आपस में बात कर लेते हैं, जिससे कि एक आइडिया लगा रहे क्या कट ऑफ जाने की संभावना है, कब रिजल्ट आएगा, कब ये होगा वो होगा। क्योंकि दोस्तों, ये RPBT ऐसा सिस्टम है, इसमें ना ज़्यादा स्टूडेंट इंटरेस्ट लेते हैं, ना ज़्यादा इसमें यूट्यूबर्स लेते हैं, तो कई अपडेट ऐसी होती हैं जो आ नहीं पाती, जिससे स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता कब काउंसलिंग हो गई, कब नहीं हो पाई। तो इसलिए दोस्तों, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूँ, जिससे आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। अब दोस्तों, मैं आपको इसमें वैकेंसी कितनी है वो बता देता हूँ। दोस्तों, अब मैं वैकेंसी आपको पूरा ऐसे ना बता के पूरा सिस्टम से बताऊंगा, एक बॉयज़ की, गर्ल्स की, किस कैटेगरी की कितनी, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। वरना स्टूडेंट सोचते हैं कि इसमें इतनी वैकेंसी है तब भी हमारा क्यों नहीं हुआ। दोस्तों, जब कैटेगरी में बांट देते हैं तो हर कैटेगरी के बटन में बहुत कम वैकेंसियाँ रह जाती हैं। तो दोस्तों, बीकानेर, उदयपुर और जयपुर, ये तीन ऐसे कॉलेज हैं जहाँ रेगुलर सीटें हैं और पेमेंट सीट भी हैं। इसके अलावा दोस्तों, सीकर, चौमूर, ACBM जयपुर, इसमें दोस्तों केवल पेमेंट सीट ही हैं। तो बात करते हैं पहले हम बीकानेर, उदयपुर, जयपुर के रेगुलर सीटों की। तो दोस्तों, बीकानेर में बॉयज़ की 10 रेगुलर सीटें, वहीं गर्ल्स की 3 है जनरल कैटेगरी में। OBC में बॉयज़ की 4 हैं और दोस्तों गर्ल्स की 2 सीटें हैं। MBC की बात करते हैं, बॉयज़ की 1 सीट है, गर्ल्स की कोई सीट नहीं है। SC में दोस्तों बॉयज़ की 4 हैं, गर्ल्स की कोई 1 सीट है। दोस्तों, ST में बॉयज़ की 1 सीट है, गर्ल्स की 1 सीट है। वहीं STA में बॉयज़ की 1 सीट है, गर्ल्स की कोई सीट नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं उदयपुर की। उदयपुर में जनरल में बॉयज़ की 10 सीटें, गर्ल्स की 3 है। दोस्तों, OBC की उदयपुर में बॉयज़ की 4 सीटें, वहीं गर्ल्स की 2 सीटें। MBC में दोस्तों बॉयज़ की 1 सीट है, वहीं गर्ल्स की कोई सीट नहीं है। SC में दोस्तों बॉयज़ की 4 सीटें, वहाँ गर्ल्स की 1 सीट है। SC में दोस्तों बॉयज़ की 1 सीट है, वहाँ गर्ल्स की 1 सीट है। STA में बॉयज़ की 1 सीट है, गर्ल्स की कोई सीट नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं जयपुर में। जयपुर में 40 सीटें, जबकि बीकानेर, उदयपुर में 28 रेगुलर सीट हैं। तो दोस्तों, जनरल बॉयज़ की 14 सीटें, वहीं बात करते हैं गर्ल्स की 5 सीटें। दोस्तों, OBC की 6 सीटें बॉयज़ की, गर्ल्स की 2 सीटें। MBC की बॉयज़ की 1 सीट है, गर्ल्स की 1 सीट है। SC की दोस्तों बॉयज़ की 5 सीटें, गर्ल्स की 1 सीट है। ST की बॉयज़ की 2 सीटें, गर्ल्स की 1 सीट है। STA की बॉयज़ की 2 सीटें, गर्ल्स की कोई सीट नहीं है। तो दोस्तों, मैंने आपको ये रेगुलर सीट के बारे में बता दिया। अब दोस्तों, बीकानेर, उदयपुर और जयपुर में 40-40 पेमेंट सीटें, उसमें दोस्तों सेम ही हैं तीनों का। मैं एक कॉलेज का बता देता हूँ, जनरल की बॉयज़ की 14 सीटें, वहीं गर्ल्स की 5 सीटें। OBC के बॉयज़ की 6 सीटें, वहीं गर्ल्स की 2 सीटें। MBC के बॉयज़ की 1 सीट है, वहीं गर्ल्स की भी 1 सीट है। SC के बॉयज़ की 5 सीटें, वहीं गर्ल्स की 1 सीट है। ST के बॉयज़ की 2 सीटें, वहीं गर्ल्स की 1 सीट है। STA के बॉयज़ की 2 सीटें, गर्ल्स की कोई सीट नहीं है। तो दोस्तों, टोटल 40 सीट हो चुकी हैं।
अब दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि रेगुलर सीट हो गई 28, 28 प्लस 40 बराबर 96 रेगुलर सीट हो चुकी हैं। इसमें दोस्तों अब 40 सीट पेमेंट सीट है, 40 40 ऐड कर दो दोस्तों। बीकानेर में टोटल 68 सीटें, उदयपुर में भी 68 सीटें और जयपुर में दोस्तों 40 पेमेंट 40 रेगुलर 80 सीटें, तो टोटल मिला के 216 सीटें हो चुकी हैं टोटल। इसके अलावा दोस्तों अब सीकर चौमू एसीबीएम की बात करता हूँ, तो सीकर में 28 सीट पेमेंट सीटें, चौमू में 28 सीटें और एसीबीएम जयपुर में 40 सीटें, तो दोस्तों ये टोटल मिला के 96 सीटें हो गई। तो 216 जो रेगुलर और पेमेंट सीट थी तीनों कॉलेजों में बीकानेर उदयपुर में, उसके अलावा तीन इन कॉलेजों की अगर 96 सीटों को जोड़ दें तो टोटल दोस्तों 312 सीटें हो जाती हैं। तो आपकी 312 से 315 सीटों पर इस बार काउंसलिंग की प्रक्रिया होने वाली है। आप काउंसलिंग में निरंतरता बनाए रखें। और दोस्तों आपको जब ये आंसर की जारी कर दी है, इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ क्वेश्चनों में डाउट है, अगर आपको डाउट है या आंसर की में थोड़ा भी संदेह तो आप राजूबास की ओरिजिनल वेबसाइट पर अपना मेल कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में डाउट है, उसका कारण बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 6 अक्टूबर को आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, उसके बाद दोस्तों फर्स्ट काउंसलिंग होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी, ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, तो बहुत लंबा प्रोसेसिंग है। आप दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ और मेरे इस नंबर पर मैसेज कर दिए, जिससे आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे और दोस्तों जिससे आपको भी एक आइडिया लगा रहे, क्योंकि आपकी काउंसलिंग लगभग नवंबर तक तो पहुंची जाएगी, अक्टूबर का महीना पूरा चला जाएगा, नवंबर का चला जाएगा, तब आपको कॉलेज मिलने की संभावना। अगर दोस्तों आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता ठीक है, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है तो उसकी 2 से 2.5 लाख रुपए फीस थी जब मैंने तैयारी की थी, आपका मुझे कंफर्म नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। और दोस्तों आप विदेश से MBBS करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं खुद MBBS कर रहा हूँ कजाकिस्तान से, थोड़ी आपकी एडमिशन कराने में हेल्प कर सकता हूँ। अगली वीडियो मिलते हैं, जय हिंद।